इतना भी तो पता कर लो कि हमारी अपनी क्या दशा है, अपनी चित्त चेतना कहाँ टिकी हुई है। बोलो ना, आत्मदर्शन करना जरूरी है ना, इसलिए देव दर्शन करो पर आत्मदर्शन भी जरूर करो। अपने अंतर को झांको, अपने आप को टटोलो। और यहाँ महाराज जो है इतनी बड़ी प्रतिष्ठा को प्राप्त किए हुए चक्रवर्ती सम्राट सभा के बीच में बैठे हैं, उनकी प्रशंसा हो रही है, प्रशस्ति गाई जा रही है, उनकी उनकी स्तुति गाई जा रही है। और वो कहते हैं समाज के बीच में बैठे कि जरा शीशा लाओ, मैं जरा अपना मुंह देख लूं, मैं देख लूं कि मेरी क्या दशा है, क्या इस प्रशस्ति के मैं योग्य हूँ। आपकी कोई प्रशंसा करे तो फूल के कुप्पा नहीं होना चाहिए, संकोच लगना चाहिए कि ऐसे तो हम हैं ही नहीं जैसा दूसरा समझ रहा है। हमारी तो तकलीफ ही ये है कि हमारे कर्म रावण जैसे हैं, पर हम प्रतिष्ठा श्री राम जैसी चाहते हैं। यही तो दुविधा है, यही तो द्वंद है, इसी में तो बिखरी पड़ी है चित्तवृत्ति। कर्म रावण जैसे और प्रतिष्ठा राम जैसी चाहिए, वहां हम सही नहीं है। इसलिए दूसरों से प्रशस्ति सम्मान पाने की चेष्टा उचित नहीं होती, ये बोझिल करती है जीवन को। आप जैसे हैं ठीक है, अभी पूर्ण तो यहाँ कोई है नहीं, सब अधूरे हैं। देखना चाहिए देखा क्या है। श्रवण समीप भय सित के सा, श्रवण समीप भय चित के सा, मनहू जरा ठा पाना आसय उपदेसा। श्रवण समीप भय सित के सा, मनहू जरा ठा पाना आसय उपदेसा। श्रवण समीप भय सित के सा। भले दगदगाते धड़धड़ाते चमचमाते दूसरों को दिखाई देते हैं, पर आंतरिक विवशताएं कमजोरियां दुर्बलताएं हम स्वयं जानते हैं। हम जानते हैं कि काया शिथिल है, अब वो सामर्थ्य नहीं रही। अब जीवन का उत्तरार्ध प्रारंभ हो गया है और अब मुझे मेरे आत्म कल्याण के लिए मेरे को मेरे ही पथ को प्रशस्त करना होगा। 25 साल हमारी संस्कृति ने कहा ब्रह्मचारी रहो, फिर गृहस्थी बनो, फिर वानप्रस्थी हो जाओ, घर बार छोड़ो, समाज के काम में लगो, अपनी संतानों को सौंपो। कुछ गलतियां करेंगी लेकिन फिर है ना, अगर कोई कहता है कि मैंने जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं की, तो इसका अर्थ है उसने कभी कोई काम किया ही नहीं होगा। कार्य करने वाले से गलती होती है और गलती होते होते वो परिष्कार करता है, परिष्कृत होता है। अवसर दीजिए उसको। श्रवण समीप भय सित केशा, मनहु जरट पर उंगलियों की अंगूठियां ढीली पड़ गई हैं, गात ढीले हो गए हैं, मुकुट टेढ़ा हो गया है। राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट सम, उसको सीधा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और फिर भरी सभा में उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूं नृप युवराज राम कहूं दे, नृप युवराज राम कहूं दे। जीवन जनम लाऊ कि न ले हूं, नृप युवराज राम कहूं दे। जीवन जनम लाऊ कि न ले हूं, जीव पाचन मति लागे जो पाचन
विचारे ओरे आन नृप सुदिन सुअवसर पाय प्रेम पुलिक तन मुदित मन गुरहि सुनायो जान जो पाचहि मत लागे शुभ है शिव है सुंदर है बहुत अद्भुत विचार है बहुत श्रेष्ठ विचार है अद्भुत है अवध की राज सत्ता पर श्री राम का विराजमान होना बहुत शुभ है भूरी भूरी राजा की प्रशंसा हो रही है। ये कथा हमें बताती है के निश्चित समय पर निश्चित कर्म योजनाओं की अवधि को निश्चित करना चाहिए। हमारे सुंदर सुंदर दिन बीत जाने ना, बचपन तो बचपन था, जवानी का पुष्प ठाकुर के चरणों में समर्पित होना चाहिए, है ना, बोलो ना देवियों। इसलिए कहते हैं दिन नीके बीते जाते हैं, सुमिरन कर ले राम नाम तज विषय भोग सब और काम तेरे संग न चाले, एक छदाम जो देते हैं सो पाते हैं। हमारे देश में कभी भी ना वृद्ध अपमानित नहीं होते थे, क्योंकि वो जीवन के उत्तरार्ध में घरों में होते ही नहीं थे, वनों में होते थे, तपोवन में होते थे, आश्रमों में होते थे, सेवा के जगत में होते थे। बच्चे तो माता पिता को देखने को तरस जाते थे, ऐसे सम्मान के साथ, मान के साथ। और 60 वर्ष के वृद्ध 6 वर्ष के बच्चों को लेके बैठते थे और उनको वेद सिखाते थे। और सोचो 25-50 बच्चे, आप उनके गुरु हैं, कोई आपके सामने आपकी पादुका रख रहा है, कोई आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा है, कोई चरणों में माथा रख रहा है, कोई बिस्तर बिछा रहा है। मान सम्मान के साथ वृद्धावस्था बीतती थी, इसलिए भारत के वृद्ध संसार के लिए वंदनीय होते थे। ऐसा था भारत, विचार करो जरा। इसलिए वहां नहीं चिपके रहना चाहिए जहां हमारी जरूरत ना हो, वहां जाना चाहिए जहां हमारी योग्यता का उपयोग हो। सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा, जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग सारा। इस दुनिया का सार एक है नित्य आवाद रवानी, अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता पानी। चिंतन में प्रवाह रखिए, पगों में रवानी रखिए। आज बहुत आनंद हुआ जब हमारे आदरणीय परम भागवत श्री विनोद अग्रवाल जी ने बताया कि दीदी माँ, हम सब लोग आज़ादी के 75वें वर्ष के इस महोत्सव को पूरे क्षेत्र के बच्चों को तकरीबन 3,00,000 किताबों को आज़ादी के मतवाले छपवा के बच्चों को घर घर पहुंचा रहे हैं और विद्यालय में। तो मैं जब वो मुझे कह रहे थे तो मैं उन्हें बताना चाहती थी कि विनोद बाबू, हमारे पास एक व्यक्ति आए जिनका नाम था रविचंद गुप्ता जी, और आप देखोगे उनके हृदय में इतनी उत्कट भावना, किन के लिए, आज़ादी के आंदोलन में ऐसे सैकड़ों बच्चे जो बलिदान हुए, पर भारत के लोग उनके बारे में नहीं जानता। मुझे गौरव हो रहा है व्यासपीठ के ऊपर बैठकर रविचंद गुप्ता जी का स्मरण करने में, क्योंकि अभी उनका शरीर छूट गया है। उन्होंने उन सैकड़ों बच्चों के चित्र अपने रक्त से बनवाकर फिर उनको वात्सल्य ग्राम में शहीद संग्रहालय में स्थापित किया गया। मेरे बहुत मानस बड़े आदरणीय मेरे मानस पुत्र थे पांचजन्य के प्रथम संपादक श्री भानु प्रताप शुक्ल जी, मैंने उनका एक स्मृति ग्रह बनाया था, तो उन्हीं की प्रतिमा बीच में है, चारों तरफ वो बच्चों के रक्त से बने हुए चित्र। इसी तरह आज़ादी के मतवाले ये 75 वो
क्रांतिकारी वीर हैं जिनके बारे में भारत के बच्चे नहीं जानते। मैं जैसे कल आपसे कह रही थी कि अपनी जरूरी नहीं है हमसे भजन करते बने, लेकिन हम मातृभूमि की सेवा को भी भजन बना सकते हैं ना, पूरे भारत के अंदर ऐसे वातावरण का निर्माण करके ताकि देशभक्ति का, देश के प्रति जिन्होंने शूरवीरता की, शहीदियाँ दी, बलिदान दिए, जो सीमाओं पे खड़े होते हैं, तिरंगे की शान में जान दे देते हैं, या तो तिरंगा फहरा के आते हैं या तिरंगे में लिपट कर आते हैं, उनके कारण ये भारत का गौरव है। और जिन्होंने आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए इतने बड़े बलिदान दिए, उन आज़ादी के मतवालों की ये पुस्तिका आज जिसका मैंने विमोचन किया है, और ये 3 लाख की संख्या में, मैं समिति का नाम तो नहीं ले पाऊंगी, मुझे याद ही नहीं है, बहरहाल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा प्रेरित ये संस्था है जिसके हमारे विनोद अग्रवाल जी चेयरमैन हैं, राधेश्याम शर्मा जी, विनोद बिरला जी और संयोजिका श्रीमती मंजूषा जोहरी जी। मैं विनोद जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ इस सत्कर्म के लिए। भारत की मजबूती भारत का बहुसंख्यक ही निश्चित करेगा, और बहुसंख्यक हिंदू समाज की संतानें अपने वीरों से, शूरवीरों से और अपने धर्म से परिचित हों, इसके लिए सबको कार्य करना है। इसीलिए मैं आधुनिक मम्मियों से भी निवेदन करूँगी कि तुम मम्मी बनना छोड़ो, माता बनो। मम्मी तो वो होती है जो मर जाने के बाद लाश पे मसाला लगा के रखी जाती है, तुम तो जीवंत माता हो। अपनी संतान को जब बोलो तो कहो मुझे माँ बोलो, और जब माँ बोलेंगे ना वो, तो उनका मुँह खुल जाएगा। जब उनका मुँह खुलेगा ना तो उनकी बुद्धि भी खुल जाएगी, जिसमें जो चाहो वो स्थापित कर सकोगी। और वाणी से नहीं, आचरण से करना होगा, व्यवहार से करना होगा। इसलिए तुमसे ये तो दक्षिणा मांग ही सकती हूँ ना कि तुम भारत की धरती को ध्रुव, प्रहलाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसी संतानों से श्रृंगारित करोगी, ताकि भारत भूमि हमेशा अक्षुण बनी रहे। इसकी संप्रभुता उस सब की हमने गारंटी लेनी है, उसके लिए आपने अपनी संतानों को तैयार करना है। सब्सक्राइब करें साध्वी रितंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।